हेलो एंड वेलकम टू फॉलो एंड टुडे वी हैव विद अस द वन एंड ओनली कैलाश खेर, अल्लाह के बंदे हैं ऐसे ही बोलते हैं शायद. और रिसेंटली सर, एक्चुअली थैंक्स फॉर हैविंग अस हियर. इट्स अ ब्यूटीफुल स्टूडियो, बहुत खूबसूरत स्टूडियो आपका. और रिसेंटली अभी आपने एक एल्बम सिंगल लॉन्च किया, एल्बम निकाला है आपने, अनोखा इश्क अनोखा, काफ़ी खूबसूरत गाना है. पहली बात शुरुआत, बिकॉज न्यूज़ पॉइंट वहाँ पे है, लेट्स टॉक विद अबाउट अ सॉन्ग फर्स्ट. इश्क अनोखा, जेनेसिस ऑफ द सॉन्ग, एंड बिकॉज इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट डिफरेंट फ्रॉम योर लेट्स से तेरी दीवानी का जो जॉनर है, यहाँ वहाँ से थोड़ा स्टाइलाइज है शायद. आप इसके बारे में क्या बताएंगे? बिकॉज कैलाशा हैज़ कम्प्लीटेड 10 ईयर्स, और 10 साल के जर्नी में जो जो हम लोगों के इन्फ्लुएंसेस यहाँ आने के बाद, फेमस होने के बाद, हमारा म्यूज़िक और हमारे फैंस इतना सारा पॉपुलर और बढ़ जाने के बाद, जो हम में बदलाव आए हैं, जो हमें सीखने को मिला है, जिन सबसे हमारे अंदर भी कुछ ग्रो हुआ है, हमारी सेंसिबिलिटीज़, म्यूज़िकल एबिलिटीज़ जो रीइन्वेंट हम लोगों ने किए हैं, वो सब का एक्चुअली अब एक रिफ्लेक्शन आएगा इस एल्बम में. और 8-9 गाने हैं, 9 गाने हैं इसमें. इश्क अनोखा इसका नाम है. और या दैट्स ऑल. बहुत इंटरेस्टिंग कैच पॉइंट दिया आपने. मतलब अभी पूछना पड़ेगा, इंस्पिरेशन किसका था? मतलब कौन कौन इंस्पिरेशन, किस किस ने इंस्पायर किया है? बिकॉज ओवर द ईयर्स आपको बहुत लोगों ने, बिकॉज यहाँ पे आने के बाद इंडस्ट्री से शायद कुछ लोगों ने नहीं, यहाँ पे आने के बाद से मेरा मतलब है, जब हम म्यूज़िक इंडस्ट्री में आए और हमारा एल्बम और फिल्म के गाने बहुत सुपर डुपर हिट होने लगे, तो हमारे कॉन्सर्ट्स होने शुरू हो गए. और कॉन्सर्ट्स शुरू होने का मतलब होता है यू मीट योर फैंस, यू नो, एट एवरी प्लेसेस वेयर एवर यू गो एंड परफॉर्म. हमने वो इम्प्रोम्प्टू गाया था, तभी धुन बन रही है स्टेज पे ही. स्टेज पे ही मैं लिखते जा रहा हूँ, 2-3 लाइनें बस थी, और वो होते होते लोगों को उस वक्त भी पसंद आ रहा है. वाइल आई एम कंपोजिंग एंड सिंगिंग एट द सेम टाइम ऑन फ्रॉम स्टेज ओनली, पहले कॉन्सर्ट पे, तो उसका असर ये हुआ कि उसके बाद लगभग 1 साल के बाद, तब तक भी हमारी एल्बम बननी शुरू हो गई थी, आई नहीं थी. फिर हम कुतुब फेस्टिवल दिल्ली में गा रहे थे, तो समबडी शाउटेड फॉर दिस सॉन्ग, तेरी दीवानी. तो हमको याद है कि जो गहरी चीज़ें हैं उसके गहरे कदरदान भी हैं दुनिया में, तो शायद वो चीज़ें बहुत कुछ सिखाती हैं आपको. क्योंकि यही म्यूज़िक, यही मैं, यही मेरी आवाज़. शुरू के दिनों में मैनी पीपल, मैनी प्रोफेशनल्स रादर, रिकॉर्ड कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन्होंने डिनाई किया था कि ये वॉइस विल नॉट वर्क, दिस इज़ नॉट गुड फॉर सिंगिंग. इनफैक्ट वाइल इन माई फॉर्मेटिव ईयर्स, जब मैं 15 साल का था, मैं एक इंस्टीट्यूशन में गया और मैं किसी गुरुजी टाइप से मिला वहाँ इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था. उन्होंने मुझे सुना और उसके बाद बोलते हैं, बेटे तुम्हारी आवाज़ गाने लायक नहीं है, तो तुम कोई इंस्ट्रूमेंट सीख लेना. तो क्योंकि वो एज तो ऐसी होती है कि 1-2 साल तो आप ये कन्फ्यूजन में ही गुजार देते हैं. बाय द टाइम यू डिसाइड सीरियसली कि क्या करूँ क्या ना करूँ, तब आप 17-18 के हो गए हैं. फिर मैंने सोचा चल तबला ही सीख लेता हूँ. 1-1.5 साल वहाँ वेस्ट कर लिया, तबले में भी कुछ सीख ना पाए, बस टाइम वेस्ट किया. तब तक आप 21 के हो गए हैं. तो ऐसे होते होते आपकी उम्र भी बढ़ रही है, अकल भी बढ़ रही है, लेकिन आप बेअकले होते जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन में. तो होता यही है कि बहुत सारे डिनायल्स और बहुत सारे रिजेक्शंस समटाइम्स आपके प्रोजेक्शन का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाते हैं लाइफ के. वाइल आपने बोला कि बहुत सारे लोगों ने शायद, लाइक जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि एक ऐसे टीचर थे जिसने बोला, जिन्होंने आप बोला कि आपका गाना, आपका वॉइस मैच नहीं करता, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने बोला कि ये वॉइस आउटस्टैंडिंग, ये जैसे यार रहमान प्रॉब्ली जब आपको पहली बार मिले, एंड आई थिंक उन्होंने ये बोला है इंटरव्यूज में, बोला है कि ये वॉइस सुनते ही मुझे लगा कि ये जो था, दैट इज, दिस इज द वॉइस आई वाज लुकिंग फॉर, द डिफरेंट वॉइस आई वाज लुकिंग फॉर. उन्होंने आपके बारे में ऐसा स्टेटमेंट दिया था. ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं. हाँ, ऐसे तो फिर लाखों स्टेटमेंट ऐसे आए. रहमान ने बोला कि द सोल वॉज मिसिंग फ्रॉम द म्यूजिक इंडस्ट्री, एंड When I heard Kailash Kher, तो I found that soul. इलाया राजा सर ने भी एक कॉम्प्लीमेंट दिया था कि गाते तो बहुत लोग हैं लेकिन दिल को छूने वाली बात कम होती है, और इस लड़के में वो है. क्योंकि मैंने सीखा नहीं, मान लीजिए मेरा ना सीखना मेरे अंदर के डर को भगा दिया उसने. यदि मैं सीखा होता तो एक डर मेरे अंदर बसा होता, ऐसे ही गाना है, यही नियम है, यही चलन है, दिस इज़ दी आरोह,
सारे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा आ सा आ। यहीं अटका रहता मैं इसी पगडंडी को ढूंढते ढूंढते। लेकिन अब मुझे ये पता ही नहीं है कि ये सारे ग म प द नि सा मेरा सही है या नहीं है। बस मैं अब हृदय की सारे ग म सुन रहा हूँ। अपने मन की जब सुन रहा हूँ तो कहीं कहीं गलत भी है, तो वो दिल वाला चैप्टर आते ही वो गलत को भी निभा लेते हैं सब लोग। गुणी लोग अब हमसे गवाते हैं, कई बार वो अपनी ट्यून भी गवाते हैं। जब वो उनकी में गा लेता हूँ फिर मैं अपने हिसाब से भी कुछ करता हूँ तो वो स्माइल करते हैं। जैसे रहमान सर ने मुझे ऐसे गवाया, इलाइया राजा सर ने हमसे ऐसे गवाया, विद्या सागर सर ने, अभी जो MM करीम हैं किरवानी जी, जिन्होंने बाहुबली में हमसे गवाया था, तो उनका जब हमने गा लिया तो एक लाइन मैंने, कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। जब हमने ये गाया तो जिस अंदाज पे हमने गाया, हमको MM क्रीम सर ने अंदर से ऐसे दिया थम्स अप, बहुत अच्छा लगा। लव इश्क अनोखा एल्बम, नवाज इज अ पार्ट ऑफ द एल्बम, वो वीडियो उन्होंने जब इंटरव्यू दे रहा था उन्होंने बोला कि आपकी काफ़ी पुराने मित्र हैं, बिकॉज यू हैव नोन ईच अदर फॉर क्वाइट सम टाइम, मुंबई में आके पहचान हुई, हालांकि आपके जन्म यू फ्रॉम द सेम बर्थ प्लेस। बता सकते हैं इस दोस्ती के बारे में, और बिकॉज एल्बम जब किया आपने उनको, जब बोला, हाउ डिड इट वर्क आउट? ये एल्बम के वक्त मैंने उनको फ़ोन किया, बुलाया यहाँ हमारे इसी स्टूडियो में इसी फ्लोर पे, और ये इश्क अनोखा गाना बजाया। तो गाना सुनने के बाद वो हंसता तो बहुत कम है, तो मैंने उसे हंसाया और पूछा क्या सोचते हो, तो फिर नवाज़ ने कहा कैलाश भाई ये तो मैं करूँगा वीडियो। मैंने कहा चलो फिर कर लेते हैं, ऐसे हो गया गाना। हंसते कम है ना? हंसता वो होली दिवाली है, लेकिन आप जब हमारे साथ होते हैं तो हम लोग काफ़ी मुसीबतों ने ही ऐसे झुलाया है पालने में मुझे, तो मैं मुसीबतों का ही पुत्र हूँ। तो अब बताइए भैया मुझे कौन डराएगा, मैं डर से ही अगर उगा हूँ खुद।